प्रातः क्लास चल रहा था 26 जुलाई 1964। बात चल रही थी जो सतयुग में होगा सो सतयुग में ही पुनर्जन्म लेगा। कोई ये नहीं कहा जाएगा कि लेफ्ट फॉर हेवनली अबोड अर्थात स्वर्ग पधारा, ऐसे कोई नहीं कहेंगे। परंतु यहां कहते हैं क्योंकि स्वर्ग बहुत याद पड़ता है, बरसातें पड़ती आई हैं तो कायम ही है। जिसको बाप भी पतित कहते हैं ऐसे तो सतयुग में भी है। कुछ न कुछ आत्मा की कला नीचे जाती है, तो क्या वहां गंगा पापात्मा बन जाती है? नहीं, वहां तो गंगा पवित्र होती है। ऐसे मनुष्यों को बैठ करके समझाना चाहिए तो अभी बच्चे समझ गए हैं कि सब बातों में कितनी अंधश्रद्धा है। अभी देखो कुंभ का मेला लगने वाला है, इसके लिए बड़ी तैयारी करते हैं। मनुष्यों का करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है, गवर्नमेंट का भी खर्चा बहुत है। उनको तो आमदनी भी होती है, और उनको खर्चा भी बहुत करना पड़ता है। तो देखो ये तीर्थ यात्राएं करते करते, पैसा खर्च करते करते, वेद पुरुषार्थ शास्त्र आदि वगैरह गुरु करते करते भारत कंगाल हो गया। रिजल्ट क्या हुआ? वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। ये बात बाप सिद्ध करके बतलाते हैं कि देखो भारत पहले कितना धनवान था और कितना अकलमंद था। अभी तो अकल के पिछाड़ी और ही गिरता जाता है। पहले देखो देवताओं की अकल, पीछे जब माया आती है तो ये गिरता ही जाता है। तो ये सच लिखते हैं ना कि भाई वेद ग्रंथों उपनिषद जो भी हैं हम उनका नाम नहीं लेते हैं। जैसे इस्लामियों का कुरान, क्रिश्चियंस की बाइबल, इस भारत ने तो अपनी ही सत्यानाश की है। इस भक्ति ने भारत की सत्यानाश कर दी, तभी तो भक्ति वाले याद करते हैं ना कि आओ हम पतितों को आकर के पावन करो।
तो भारतवासियों को समझाना चाहिए ना कि हम सभी पतित हैं। जो भी भारतवासी है ऊपर से लेकर के नीचे तक सब पतित हैं, क्योंकि सारी दुनिया पतित है। जब पूरी दुनिया 100% पतित हो जाती है ड्रामा अनुसार, तो फिर 100% पावन बनते हैं। तुम लिख सकती हो इस भारत में ऑलमाइटी अथॉरिटी पवित्र राज्य हम स्थापन करते हैं। आप लोग डोंट वरी, यू आर डूइंग द टास्क। भारत में फिर से ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य स्थापन करने हम गुप्त रूप में सेवा कर रहे हैं। तो बड़े बड़े आदमियों को लिखो, इसमें तो अच्छा ही है ना, तुम अच्छा ही समझाते हो। देखो समझाए दिया है, ये जो भारत, ये भारतवासी भला समझेंगे ना कि हम क्या कर रहे थे। अभी हम गुप्त सेना ब्राह्मण कुल भूषण क्या कर रहे हैं। बरोबर हम अपने लिए याद बल से स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है, बस ये याद तुमको अन्न देगी, अर्थात सतयुग में जाकर तुम अपने यहां स्वर्ग की दावत करेंगी और महल बनाएंगी। अच्छा बच्ची, टोली ले आओ, साहबों को बच्चे याद करते हैं ना। बाबा ने समझाया है, अभी तुमको साहब बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि साहब ने आकर के अपना परिचय दिया है, और तो कोई इतना प्यारा लग भी नहीं सकता। इन सर्वव्यापी वालों को क्या प्यारा लगेगा, इनको प्यारा लगना चाहिए। सबसे बुद्धि का प्यार हटाए करके हटाते ही जाना चाहिए और एक से जुटाना है। अभी मेहनत है, अगर विजयमाला में आना है तो मेहनत है। हमारी तो एक ही बात है, बाबा क्या कहते हैं। कोई बच्चे ने कहा, गोप अरे सच्चे साहब की सच्ची सजनी, और ये सजनियां कैसी होती हैं, उनको पति के याद के बगैर पर पुरुष का बुद्धि में ध्यान भी नहीं आता। 26/7/64 की वाणी का 9वां पेज। तो यहां भी ऐसे ही चाहिए, जो एकदम कोई भी पर पुरुष बुद्धि में ना आवे, कोई भी देहधारी की कोई याद ना आवे, सब भूलते जाना है और एक को पूरा याद करना है। ऐसी बच्ची 1, 2, 3 माला में पहुंच सकती है। टाइम बहुत थोड़ा है, बाबा कह देते हैं याद रख देना। देखो बैठे बैठे मनुष्य कैसे मर जाते हैं,
हार्ट फेल हुआ, ये हुआ, एक्सीडेंट हुआ। इसलिए अपना स्वराज्य ले लेना चाहिए, वर्षा ले लेना चाहिए। गोद ली है तो मदद भी मिलेगी, अगर गोद ना लेवे तो मदद कैसे मिले। सौतेले को मदद मिलेगी, माँ तेले को मदद करेंगे, सौतेले को थोड़ा ही करेंगे। जो भी हैं अभी यहाँ देखो, कला नहीं है। हमारा रुख सनैया है, क्योंकि ये तो ब्राह्मण कुलभूषण थी। रुखसत तो ब्राह्मण कुलभूषण भी न थी, तो बाबा को हरेक के ऊपर तरस पड़ता है। ये बच्ची अगर होती तो अपना वर्षा ले लेती। अभी देखो पुरुषार्थ करती है, समझती है बड़ी वीरांगना होनी पड़ेगी। इतनी वीरांगना होकर हम भाग नहीं सकती हैं। ये भी बाबा कहते हैं ये तो भूल है। बाबा कह कहते हैं घर बाहर छोड़ दो, बाबा तो नहीं कहते। बाबा तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते याद में रहो, कमल फूल के समान पवित्र रहो। अभी सिर्फ वहां का जो मोह है, इसे पुरानी दुनिया पुराने शरीरों में इस मोह को तुम नष्ट करो। और एक के साथ मोह रखो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो सकता है। बाबा कहते हैं फिर भले घर में बैठो, जहां भी बैठो, यहां भी आने की दरकार नहीं है। तुमको यहां आकर नहीं रहना है, रहना गृहस्थ व्यवहार में। बुढ़े हो जाओ तो भी गृहस्थ में। बाबा ऐसे नहीं कैसे कि वानप्रस्थ होकर के सत्संग करो या किनारा करो, नहीं, यहां किनारा करने का तो है ही नहीं। अपने गृहस्थ व्यवहार में रहो। बाबा थोड़े ही कहते हैं कि किनारा करो, वो तो उनके लिए है कि घर छोड़ करके जाओ। बाबा तो नहीं कहते, बाबा तो कहते हैं बेहद के घर से बुद्धि का योग जोड़ो, ये छी छी दुनिया से योग तोड़ो। बहुत युक्ति बता सकते हैं, अगर सीमत लेते रहे तो तोड़ निभाना है दोनों ओर। बाबा कभी किसको नहीं कहेंगे घर बार छोड़ दो, बाबा वो और ही पसंद करते हैं। तो ला भी ऐसे कहता है, करेंगी बाबा का बनेंगी, फिर अपना हिसाब किताब बाबा से पूछ ले। मैं बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी, और अभी बाकी क्या है। 5-7 बरस भी ऐसे ही गिट गिट में चले तो भी ठीक है। आग लगेगी पीछे, बात मत पूछो, ये कम थोड़े ही है। इसलिए मजबूत बनने के लिए, फाउंडेशन पक्का करने के लिए बाबा से श्रीमत लेते रहो और स्वीट बाबा को याद करते रहो। मोस्ट बिलवेड स्वीट सेक्रीन, ऐसे ऐसे है, ऐसे मीठे मात पिता और बाप दादा का मीठे मीठे सिकीले लकी सितारों प्रति, ज्ञान सितारों के प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
देखो ये बाप दादा कंबाइंड है, ऐसे नहीं कहना सिर्फ है। बाबा मुरली चलाते हैं, शिव पिता मुरली चलाते। अरे हम दोनों आपस में, तुमने सुना नहीं? तो ये ऐसे ही है, तो बाप दादा की और मम्मा की, इनकी कमाई भी चलती रहेगी, आप सबका भी सुधार होता रहेगा, बाबा की कमाई भी चल जाती है। ऐसे मत समझना कि नहीं चलेगी, ऐसे तो बच्चों में भी प्रवेश करके बाबा सर्विस करते रहते हैं। अच्छा गुड मॉर्निंग, आज का रात्रि क्लास है 26/7/64। बच्चे जानते हैं कि मीठी मीठी जगदम्बा आ रही है, क्योंकि उनका नाम ही है जगदम्बा सरस्वती। इनका नाम कोई सरस्वती तो नहीं है, ब्रह्मा का। इनका नाम कोई है नहीं वास्तव में। कहते हैं माता पिता, पिता का तो नाम है, माता का नाम ये नहीं हो सकता है, माता ही नहीं है, और न ही इनको कोई सरस्वती कह सकते हैं। कह सकते हैं? नहीं। इसलिए जगदम्बा मम्मा निमित्त है, निमित्त है माना असली जगदम्बा फिर कौन हुई? क्योंकि मम्मा तो बीच में आई और बीच में चली गई, और सारे जगत की अम्बा तो आदि में भी होनी चाहिए, अंत में भी होनी चाहिए। तो अभी क्या विचार आता होगा बच्चों को, ये करें वो करें, है कोई विचार किसी का? किसी ने कहा किसको करें, हम तो सेंटर्स पर करते हैं, सेंटर पर करते हैं क्योंकि मुलाकात तो इस हाल में भी होगी। फिर बच्चे भले ख्याल करें, पीछे बतावे या कल भी बता सकते हैं। कोई बच्ची ने कहा जिनों जिनों को इच्छा हो तो अभी भी सुना सकते हैं, बोल दे में तो अच्छा है, कोई प्रकार की सेल्वेशन की जरूरत हो तो बताए देवे। मम्मा रोज आकर के कचहरी भी करेगी, बाबा कचहरी नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? चाहे इस समय कोई झूठ बोले तो और ही 100 गुना दंड पड़ जावे। मम्मा पूछेगी, और अगर झूठ भी बोल दिया तो भी 100 गुना दंड नहीं पड़ेगा, क्योंकि मम्मा है ना। बाबा में तो शिव बाबा है, तो ये तो बाप पूछते हैं। एक राइट हैंड में है बाप,
दूसरे लेफ्ट हैंड में धर्मराज। कचहरी तो वो ही आकर के करेगी, बच्चों की कोई राय हो, किसी ने कोई प्रोग्राम बनाया हो तो बाबा उनको करेक्ट कर देंगे। आपस में कोई बात निकाली है, कोई ने कहा ऐसे तो नहीं मिली है कोई, क्योंकि मम्मा के ऊपर बच्चों का प्यार तो बहुत है। जैसे अंदर जाती है तो बच्चों को फूल दिए जाते हैं, तो उनके ऊपर नंबरवार बच्चे बरसा करते जाते हैं। जो भी बच्चे होते हैं लाइन में खड़े रहते हैं, वो मम्मा के ऊपर बरसा करते जाते हैं। आगे ये करते थे, कोई बच्ची ने कहा हाँ, इसका मतलब है गेट से लेकर के यहाँ तक लाइन लगाते होंगे। बाबा ने कहा नहीं, मैं गेट की तरफ में कुछ भी झंडे वंडे नहीं लगाता हूँ, ना लगाने दूंगा। ये फिर कभी किया नहीं है, ना करेंगे, क्योंकि हम तो गुप्त हैं। कोई भी महिमा करनी है तो अंदर बाहर, बाहर नहीं अंदर करो। जब तक बैठे हैं लाइन कर देंगे, यहां से दो लाइन शुरू होवे और यहां से दो लाइन आवे, बस वो निकलती जावे आकर के बैठे। बच्ची ने कहा यहां से आकर के सामने आवे, हाँ फूल वूल चढ़ाना हो तो अंदर, फूल भी यहां अंदर पड़े होंगे, अच्छी शोभा देंगे तो ठीक रहेगी। मोटर को आकर के यहाँ खड़ा कर देंगे, थोड़ा हाथ मुंह धोएगी या क्या करेगी, ऐसे करती तो नहीं है। कोई बच्चे ने कहा वो तो सीधी आती है क्लास में, कल दूध की टोली बनाए देंगे। हाँ दूध के पेड़े होते हैं ना, और कोई फल फूल तो है ही अपने पास। बच्चे ने पूछा गीत, हाँ वो कोई सुंदर गीत हो, वो तो शायद इसमें भी है। यहाँ तुम बच्चों को बैठ करके गाना है और भले गाओ, गाने के लिए तो सिर्फ बूढ़ ही जाती है और ये शिवरतन जाएंगे। कोई बच्चे ने कहा विश्व किशोर बाबू वो तो जाएंगे, वो तो जाने के हैं ही, वो कहाँ बैठा है। अच्छा फिर आना होता है, जितनी गुप्त है इतना अच्छा है, क्योंकि आसुरी संप्रदाय की ये जो रस्म रिवाज है उनसे हमको वास्तव में कोई भी रिपीट या कॉपी नहीं करना है। भले ये कहां कहां प्रभात फेरी निकालते हैं, परंतु बाबा के दिल पर वो भी नहीं चढ़ती है, क्योंकि ये भी हंगामा। आसुरी दुनिया कोई वक्त में कुछ पत्थर फेंक देंगे, कोई ऐसा एंटी हो तो नुकसान कर दे भी, वो भी नहीं। हाँ सर्विस तो बहुत अच्छी कर सकते हैं, बाबा ने तो बहुत समझाया है कि लक्ष्मी नारायण के बड़े बड़े चित्र निकालने चाहिए,
26/7/64 की वाणी का दूसरा बीज है तो लक्ष्मी नारायण के छोटे छोटे चित्र निकले हैं। शमशान में जाओ और वहां जाकर के समझाना पड़े कि भाई कहते हैं कि स्वर्गवासी हुआ, फिर ये स्वर्ग किसको कहा जाता है, जाकर के कुछ समझावे भाषण करें तो भी कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि वहां कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बकवाद नहीं कहेंगे। प्रभात फेरी में हमेशा डर रहता है कोई पत्थर न फेंक देवे, कोई चंचलता न करे, कोई का सामना नहीं करना है कि आर्य समाज जी कहते हैं वो करते हैं तो हम भी जाकर के सामना करें, नहीं वो भी नहीं करना है। हमें किसी का सामना नहीं करना है, इसलिए ही विकार के कारण विघ्न बहुत पड़ते हैं। विघ्न पड़ते हैं जहां तहां गरीबों में, साहूकारों में, गरीबी में तो चल जाता है, साहूकार तो बड़े बिगड़ते हैं कि वो धनवान है ना। देखो तो ये मालूम है ही नहीं कि अभी पवित्र दुनिया स्थापन हो रही है, मांगते भी हैं चाहते भी हैं कि नई दुनिया नया भारत। अभी मुश्किलात है कि नए भारत में सभी निर्विकारी थे, ये भी किसी को पता नहीं, क्योंकि कृष्ण जो पहला पहला प्रिंस है, पहला बच्चा है सतयुग का, उनके लिए ही इतनी बकवाद लिख दी है। बोलते हैं ये तो परंपरा से चलते आ रहे, इतनी कृष्ण की जी महिमा करते हैं, कोई की बुद्धि में तो बैठता नहीं है। छेने पड़े हुए हैं जैसे कि गोबर भरा हुआ है, अंदर में तो सर्वव्यापी का ज्ञान है ही, जिस हिसाब की बुद्धि में गोबर भर गया। तो बच्चों को बड़ी युक्ति से, क्योंकि ब्रह्मा कुमारियां सब तो एक रस नहीं है, कई कई तो बहुत डिस्ट्रैक्शन भी कर देती है, ज्ञान पूरा ना होने के कारण कोई अच्छा आदमी आए भी और उनको प्रश्नोत्तर का जवाब न दे सके तो वो कहेगा कि वाह ये ब्रह्मा कुमारी है, चलो साहब के ऊपर कलंक लग जाता है। इस राजधानी स्थापन करने में डिफिकल्टी बहुत है, क्योंकि ऐसे कोई जानते नहीं है कि बाप आकर के राजधानी स्थापन करते हैं। राजयोग को भी ले गए, राजयोग को कृष्ण के हाथ में दे दिया और कृष्ण को द्वापर में ले गए। अभी तो तुम्हारी साफ बातें नहीं है, नई दुनिया के लिए तो नई बातें ही होंगी। अरे द्वापर में कृष्ण कहां से आया, 16 कला संपूर्ण तो सतयुग में होते हैं, 14 कला संपूर्ण, द्वापर में तो 8 कलाएं रह जाती हैं, तो कृष्ण द्वापर के अंत में कहां से आ गया 16 कला संपूर्ण। अभी ऐसे भी नहीं है कि हम कोई नई बातें बताते हैं, शास्त्रों में ही लिखा हुआ है कि सतयुग 16 कला संपूर्ण, 14 कला संपूर्ण, द्वापर 8 कला और कलयुग 9 कला। और ये राजयोग की बात तो बहुत पुरानी है, परंतु नाम टाम सब बिगाड़ दिया है, तो इसलिए वो बिगड़ते हैं, क्योंकि उनके शिष्य उनकी कमाई चली जाएगी ना,
शिष्य भी भाग जाएंगे, क्योंकि जितना उनको ये निश्चय होता है इतना बच्चे जानते हैं कि ये जो विद्वान आचार्य गुरु हैं उनको तुम लोग बुद्धू कह देते हो, मूर्ख, करप्टिव, अडल्ट्रेटिव, मिलावटी हैं। देखो जिनका इतना सारा मान है, अभी भी देखो अखबारों में पढ़ते हैं साधु समाज का नाम आता है ना, साधु समाज को इकट्ठा करते हैं कि फलाने में ये जो एडल्ट्रेशन है इस एडल्ट्रेशन को निकालने में ये मदद करें। अभी ये क्या मदद करेंगे, ये तो खुद ही करप्टेड है। बाबा ने उस दिन कहा था कि जब ये लिखते हैं कि गवर्नमेंट को ये मदद करेंगे तो पहले पहले कोई होवे जो तीखा बोले, नंबर वन अडल्ट्रेटिव और करप्ट ये साधु समाज है। समाज में तो सब आ जाते हैं ना, परंतु ऐसा भी कोई निकला नहीं है। निकले तो कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि उनको करेक्ट तो जरूर करना ही है। न कोई ऐसा अच्छा निकला है जिनकी आवाज कोई अच्छी तरह से सुन सके। देखो पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने भी लिखवाया था कि भाई ये संस्था बड़ी पवित्र बनाने वाली है। मालूम है जयपुर में भी एक मिनिस्टर निकला था, उसने भी लिखा था, कहा था इनकी संस्था बड़ी पवित्रता स्थापन करने वाली है। जब कोई बड़ा विद्वान निकले, भले वो दूसरे धर्म का होवे या कोई भी बड़ा होवे जिसके बहुत फॉलोअर्स हों, वो जब कहे, दो तीन और भी निकले तब तुम्हारा प्रभाव बढ़े। 26/7/64 की वाणी का तीसरा बीट, बढ़ना तो जरूर है, परंतु अभी तलक जैसे बाप कहते हैं कि गुप्ता जी वहां बनारस में गए हैं, जहां से ये टाइटल मिलते हैं, अभी तक शायद ड्रामा में देरी है प्रभाव निकलने में, तो उनका बाण भी फालतू जाता है। किसको लगता ही नहीं है, घड़ी घड़ी सेवा करते रहते हैं फिर लौट आते हैं, फिर भी आखिर में तो नाम निकलेगा ना। बच्चों को ये तो समझना ही चाहिए कि बीती सी बीती, बस इस समय तक राजधानी स्थापन होनी थी, अभी भी आगे सारी राजधानी होती जाएगी, तो जो बीता वो एक्यूरेट ड्रामा बीता। फिर उनमें कुछ भी हुआ, जो कुछ भी विघ्न पड़े अथवा कोई खुशी भी निकली, बस कहेंगे ड्रामा अनुसार ही था जो पास्ट हुआ। इसमें भी सबका एक अच्छा निश्चय होना चाहिए। निश्चय बिठाते हुए भी फिर भी वो कोई कोई बात में निश्चय से संशय में आ जाते हैं, कान कहा माया का कोई न कोई बाण ऐसा लग जाता है जो संशय बुद्धि बन जाते हैं। तो एक तरफ में ईश्वर का बाण, दूसरी तरफ में माया का बाण, ये लड़ाई है। तो बरोबर चलते चलते अच्छा भी समझते हैं, फिर भी माया का बाण ऐसा लगता है जो कोई न कोई बात में संशय बुद्धि बन जाते हैं। ये वंडरफुल बाबा है, बच्चे भी वंडरफुल हैं। बच्चे गुप्त वेश में स्थापना कर रहे हैं, बाप भी गुप्त, बच्चे भी गुप्त, बरोबर तुम देहधारी हो,
परंतु फिर भी गुप्त हो। बाबा ने कल भी समझाया था कि तुम कोई के ऊपर लड़ाई थोड़े ही करते हो, जो विजय का नाम लेते हो। ये जरूर है कि पांडव विजय पाते हैं, पर वो कैसे विजय पाते हैं? अगर पांडव विजय पावे तो फिर कौरव पांडवों की लड़ाई सिद्ध हो जाती है। इसलिए ये विजय का अक्षर भी हम नहीं ले सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि निश्चय बुद्धि वैजयंती माला में तुम पिरोए जाएंगे, ये ठीक है। हंगामा वगैरह भी ठीक नहीं चलता है, क्योंकि तुम गुप्त सर्विस करते रहो। चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर वालों को कोई जिस्मानी तीर्थ यात्रा पर ले जाते हैं तो भी आपस में मित्र संबंधी बिरादरी वाले मिल करके चले जाते हैं। तुम भी यहाँ आते हो दिल्ली से इसी यात्रा पर, तो देखो बहुत ही अपने मित्र संबंधी फलाने फलाने कहते हम भी चले हम भी चले, दिल हो जाती है कि बाबा के पास चले। ये यात्रा है या बाप के पास आने की यात्रा है, क्योंकि आने से बाप भी फिर वो यात्रा सिखलाते हैं। तुम्हारी परमधाम की यात्रा है ना, क्योंकि सन्मुख कहने से वो लगता है। बच्चे बच्चे कहते रहते हैं, बच्चे अभी नाटक पूरा होता है, अभी वापस चलना है आत्माओं के धाम में। मैं आया हूँ तुम बच्चों को गाइड करने के लिए, और माया के पांच विकारों से जंजीरों से छुड़ाने आया हूँ। तो देखो लिबरेटर भी है, गाइड भी है, पंडा भी है, ये अक्षर तो गाए जाते हैं ना बरोबर, फिर सेल्वेज भी करते हैं। बेड़ा डूबा हुआ है तो जैसे कि तुम बच्चे मिलकर के इस भारत को सेल्वेज करते हो, क्योंकि बेड़ा डूबा हुआ है ना। देखो कैसी युक्ति है बेड़ा पार करने के लिए, ये बुढ़िया भारत का बेड़ा पार करने के लिए कैसी कैसी ये बच्चियां हैं। देखो म्यूजिक बजा, ये बच्चियां हिरी हुई हैं भक्ति में गीत गाने के लिए, भक्ति में गाते रहते हैं ना। ज्ञान में तो गीतों की दरकार ही नहीं। बाबा कहते हैं भक्ति की जो कुछ रस्म रिवाज है वो यहाँ नहीं होनी चाहिए, यहाँ तो चुप होकर बैठना है। भले यहाँ अनपढ़ है तो भी चुप। अच्छा, मात पिता और बाप दादा का मीठे मीठे सिकिल्ले ज्ञान सितारों प्रति याद प्यार और गुड नाइट।